जुआर नुआखाई एक्सप्रेस संगे मुई अनुराधा खबर मूलकर्मा मुखिया खबर नु प्रकाश पाइला सीबीएसई दशम परीक्षा रिजल्ट देश ने पास आन 99.04% मूल्यांकन में खुशी नहीं थिबा छात्र छात्री ऑफलाइन ने दे पारबे परीक्षा इथर भी पिला मन के पछे पकाले झी माने आर आज नु खुल्ला माँ समलेश्वरी मंदिर कटकना भितर भकत करुचन दर्शन भीड नहीं जमा बाकी एसओपी जारी सकाल 6:11 आर बेलबुड़ा 3 बजे नु 7:30 तक खुलवा मंदिर कमुजे पॉजिटिव संख्या नहीं कमबार मृत्यु राज ने फेर अनस्त जीवन नेला भाइरस 24 घंटा ने 1129 पॉजिटिव संबलपुर एसपी को विरोध में सांघातिक अभियोग मिथ्या मामला ने फसेकिना मतीझरन अंचल युवक के मारपीट उत्तरांचल डीआईजी को कार्यानुष्ठान दाबी कला बीजेपी संख्यालघु सेल स्वाधीनतार एत बरस पर भी नहीं बदलला चित्र बलांगीर लुकपड़ा रास्ता अवस्था बेहाल डरी डरी कादो खाल ढीप ने जास करुचन लुके कहीं गला राज्य सरकार पक्का रास्ता उठला प्रश्न समलपुर गणघसा गाँव ने अभावनीय घटना कादने फसी ट्राक्टर के उठाबाकी जाइकिना जीवन हारे ड्राइवर 6 घंटा धरिकिना ट्राक्टर तले चापी हेकिना गला जीवन आर केन्द्र सरकार आड़ चाषी लगी खुशी खबर कृषकों एकाउंट के जीवा 9 नंबर किस्ती प्रधानमंत्री किसान योजना ने अगस्त 9 तक सबु चाषी को मिलवा पैसा आयमा पूरा खबर के प्रकाश पहला सीबीएसई दशम रिजल्ट ई बरस पास हार रही 99.04% ई बरस 99.24% छात्री आर 98.89% छात्र पास करिछन इथर भी छात्रों को हिसाबे 0.35% छात्री आगे अछन सीबीएसई दशम ने मोट 20,97,621 परीक्षा देथिला बेलके 20,076,997 जन छात्र छात्री पास करिछन भुवनेश्वर रिजियन रे 99.62 शतकड़ा पिला पास करिथिबार बेलके अन्य आड़े जे जेन माने निजर मार्क के नेकिना खुशी नेन से माने ऑफलाइन परीक्षा दे पारबे कोविड-19 स्थिति सुधरिबा उतारु इने के निष्पत्ति निया जिबा बहुत खुशी अछि आ एक्सपेक्टेशन तो बहुत बेसी अछि सेते ऑब्वियसली बहुत खुशी अछि 99 6-7 आवर्स डेली तो से टाइम मार्किंग पे मैं बहुत सैटिस्फाइड अच्छी तो मार्किंग तो प्री बोर्ड हाफ ईयरली 9th रो एडा सब नेके हिचे तो आई थिंक वेरी फेयर एंड मैं सैटिस्फाइड अच्छी रिजल्ट बहुत संतोषजनक रही छी हमें बहुत खुशी कने पिला माने बहुत परिश्रम करथे से सब मुहूर्त रे भांगी पड़तिले साई इंटरनेशनल स्कूल रो चेयरपर्सन श्री विजय कुमार नाहंती वर्तमान किंतु तांको स्पेशल ग्रेटिट्यूड तार पेरेंट्स मानको ता एफोर्ट को भगवान को आ समस्तक सपोर्ट रे स्पेशल स्कूल रो सब टीचर्स तांका गाइडेंस जहा जको से आज एते दूर पहुंची पार छी 99% अचीव कर छी समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद दौर कोविड सिचुएशन में भी एत सुंदर आप छुआ को सपोर्ट कर बोर्ड को मध्य समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद दौर राइज ने गोला 24 घंटा ने 1129 जन कोरोना पॉजिटिव से भितर 657 जन क्वारंटीन होइतबार बेलके बाकी 472 होछन लोकल केस खोर्धानु 388 पॉजिटिव कटक 135 बरगढ़ 3 बलांगीर 4 बौद्ध 4 झारसुगुड़ा 6 कलाहांडी 1 नुआपड़ा 3 संबलपुर 1 सोनपुर 5 सुंदरगढ़ नु 5 आ स्टेट पुल 76 पॉजिटिव चिन्हट हेछन सियाडे जो गला 24 घंटा ने 69 जनकर जीवन जाइछे से मानकर भितरे खोर्धा नु 23 जीवन जाइथिबार बेलके केन्द्रापड़ा नु 6 पुरी 7 अनुगुल गंजाम जाजपुर कलाहांडी जिला नु 2 बालेश्वर भद्रक मयूरभंज जगतसिंहपुर 3 जन लेखे बलांगीर नयागढ़ नु जने जनेकर जीवन जाइछे खुल्ला पश्चिम ओडिशार अधिष्ठात्री देवी संबलपुर रो माँ समलेश्वरी मंदिर इटार संगे संबलपुर रो अन्य मंदिर माने भी खुली छे
କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଲାଗି ଗଲା 4 ମାସ ପରେ ମନ୍ଦିରମାନେ ଖୋଲିଥିବା ଲାଗି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନେ ବେଶୀ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗଲା 4 ମାସ ପରେ ଖୋଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ସମ୍ବଲପୁରର ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗେ ଜିଲ୍ଲାର ପାଟନେଶ୍ୱରୀ ଭୂମାବକ୍ର ମନ୍ଦିର, ଚିପ୍ଲିମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ, ମାନେଶ୍ୱର ବିମଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗେ ଅଲଗା ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ବି ଖୋଲିଛି। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ନେଇକରି ସ୍ପେସିଆଲ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 6:30 ଆର 3 ବଜେ ନୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ତକ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା। 65 ବର୍ଷ ନୁ ଏତକା, 10 ବର୍ଷ ନୁ କମ୍ ଆର୍ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କେ ମନ୍ଦିର ଆସିବାକେ ମନା କରାଯାଇଛି। ସବୁ ମନ୍ଦିରନେ ସାନିଟାଇଜ ଆର୍ ଦେଖାରଖା ଲାଗି ସବୁ ସୋମବାର ମନ୍ଦିରମାନେ ବନ୍ଦ ରହିବା। ଇ ଭିତରେ ଭକତ ଦର୍ଶନ ସମୟାନେ ମାସ୍କ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନବାର ସାଙ୍ଗେ ହାତ ସାନିଟାଇଜ କରିବାକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି କାହାର କେନ୍ ଦୁଃଖଟେ ପଡ଼ିଥିସି ତ ମାକେ ସିଧା ଗୁହାରି କଲେ ମାନେ ଦୁଃଖ ଦୂର ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛେ ଭାବନା ଗୋଟେ ଅଛେ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି କି ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥିଲେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେଲା ତ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ବି ଦେଖିକରି ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ତାଙ୍କ ଖୁସି ଦେଖିକରି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକେ ନେଇକିନା ରବିବାର ସମ୍ବଲପୁର ସବୁ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଆର୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା। ଭକତମାନେ ଗଲା 4 ମାସ ଧରିକିନା ଦର୍ଶନ ନେଇ କରିପାରୁଥାଇ ଆଜ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପରେ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିରନେ ଭକତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକେ ମିଳିଥିଲା। ଆମେ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ରେଗୁଲାର ଆସୁଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ତ କରୋନା ଲାଗି ବନ୍ଦ ହେଇଛି ବୋଲେ ନାଇଁ ଆସି ପାରୁଥାଇ ବୋଲେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗୁଥାଇ। ମଙ୍ଗଳବାର କି ମଙ୍ଗଳବାର ଆମେ ଆସୁ। ବଢିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛେ, ବହୁତ ବଢିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟିକେ ବି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାହଉଛେ, ଆଉ ସାନିଟାଇଜର ବି ୟୁଜ୍ କରାହଉଛେ, ବିନା ମାସ୍କରେ ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହିଁ ନାଇଁ ନ, ବହୁତ ବଢିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛେ। ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଖୋଲିଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଳନ କରିକିନା ଭକତମାନଙ୍କର ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମଲୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଇଆଡ଼େ ଯେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଲାଗି ଭି ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ କୋଭିଡ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଆର୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା। 61 ବର୍ଷନୁ ଏତକା ବୟସ୍କ ଥିବାର ଆଉ 10 ବର୍ଷନୁ କମ୍ ଆର୍ ଗର୍ଭବତୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଲାଗୁ ହେବା କଟକଣା। ସକାଳ 6:00 ରୁ ରାତି 8 ବଜେ ତ ଖୋଲା ରହିବା ମନ୍ଦିର ଆର୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ସିଆଡ଼େ ଖାଲି ସହରାଞ୍ଚଳ ଲାଗି ଲାଗୁ ହେବା ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ରାତି 8:00 ରୁ ସକାଳ 6 ବଜେ ତକ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହେବା। ମାସ୍କ ଆର୍ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା, ନିୟମ ନାଇଁ ମାନିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଲା ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଏସ୍ପି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକିନା ମିଥ୍ୟା ମାମଲାନେ ଫସେଇକିନା ମାରାପିଟା କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ। ଇ ନେଇକି ସମ୍ବଲପୁର ବିଜେପି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସେଲ୍ ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ମହମ୍ମଦ ଫାରୁକ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଠାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ସହରର ମତିଝରଣ ଅଞ୍ଚଳର ମହମ୍ମଦ ଫାରୁକଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଚୋରିକେ ନେଇକିନା ଜୁଲାଇ 23 ଧନୁବାଲି ଥାନାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏହି ଘଟଣା ନେଇକିନା ପଚରା ଉଚରା ଲାଗି ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧନୁବାଲି ଥାନାକେ ଡକେଇଥିଲା। ଥାନାକେ ପହଞ୍ଚିବା ଉତାରୁ ଜଣେ ଏସ୍ଆଇ ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ିନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବସେଇକିନା ମାରପିଟ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏସ୍ପି ଗୋରୁଚାଲାଣ ଆର୍ ଗୋହତ୍ୟା ମାମଲାନେ ମିଚ୍ କହିକିନା ଗାଲିବିଲ୍ କରିଥିଲେ। ରାଉତରାୟ ଯୋ ହେ ୟାନି ସିଭିଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ମେ ଏସ୍ଆଇ ରାଉତରାୟ ଯୋ ଦୋ ଠୋ ଆଦମୀକୁ ଲେକେ ଖଡ଼ା ହୁଆ ଥା, ମେରେ କୋ ବୋଲା ଆପ ଚଲିଏ ବୈଠିଏ ଗାଡ଼ି ମେ, ତୋ ମୈଁ ବୋଲା କ୍ୟୁଁ ବୈଠୁଙ୍ଗା, କ୍ୟା କେସ୍ ହେ ମେରା ଯୋ, ତୋ ବୋଲେ କୋଇ ଭି କେସ୍ ହୋ ୟା କୁଛ ଭି ହୋ ତୁମ ଆପ ଗାଡ଼ି ମେ ବୈଠୋ ବୋଲକେ, ତୋ ମୈଁ ବୋଲା କାହାଁ ଲେକେ ଜାନା ହେ ଯୋ ମେରେ କୋ, ତୋ ବୋଲେ ନାଇଁ ଆପ ପୁଛତାଛ କେ ଲିଏ ଲେକେ ଜାନା ହେ, ତୁ ୱହାଁ ସେ ଲେକେ ମେରେ କୋ ସିଧା ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ଲେକେ ଆ ଗଏ। ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ଲାଏ, ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ଲାନେ କେ ବାଦ ଅନ୍ଦର ମେ ଠେଲ ଦିଏ, ଅନ୍ଦର ମେ ଠେଲନେ କେ ବାଦ ବୋଲେ କି ଇସକୁ ଥୋଡ଼ା ମାରାପିଟି କରୋ, ସମଝେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ। ତୋ ଦୋ ଚାର ଲଡ଼କା ଥେ ଅନ୍ଦର ମେ ପୋଲିସ ୱାଲେ ଥେ, ତୋ ମାରେ ପହଲେ, ଫିର ଇସକେ ବାଦ ଏସ୍ପି କେ ସାଥ ମେ ରାଉତରାୟ ଆୟା, ବହୁତ ସାରା ଉଲ୍ଟା ସିଧା ଗାଲି ଦିଏ, ଫିର ହାତ ସେ ମାରେ, ଫିର ପାଇପ୍ ସେ ମାରା ଗିଆ, ବହୁତ ମାରା ଗିଆ, ତୁ ଗାଏ ହତ୍ୟା କରତା ହେ ବୋଲ, ତୁ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇ ବୋଲ ରହା ହେ ବୋଲକେ ମାରେ। ଔର ଆଗକେ ବି ଖବର ଦେଖମା, ଏବେ ସମୟ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ର। ବ୍ରେକ୍ ଉତାରୁ ସ୍ୱାଗତ। ବିଜେଡି ସରକାରର ଏତେ ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ବି ନେଇ ବଦଳିଲା ଚିତ୍ର।
एबे भी बहुटे गाँ के नहीं न रास्ता रास्ता समस्या लगे केन आम्बुलेन्स पहुँची नहीं पार्बार तो केने बार बार दुर्घटनार शिकार होउछन लुक माने जहाँ गोटे उदाहरण देखा के मिली बलांगीर जिला लुकापड़ार गाँ देखमा रिपोर्ट काद सरसर आर केन छोटबड़ खाल जमी रही बर्षा पाइन गाड़ी जीवा तो दूर कथा चलिकिना जीवार भी मुस्किल इटा हेउछे बलांगीर जिला खैरा पंचायतर लुकापड़ा आदिवासी गाँ के जाउथवार रास्ता सबुदिन शह शह लोक जास करुथवार रास्तार अवस्था कहले नाई सरे खरा दिने तो जेंती सेंती चली जासन हेले बर्षा दिने बहुत हैरान हेबाके पड़सी रास्ता सारा कादो चालले भी पाद खसबा इ रास्तारे जंगल विभाग अफिस तहसील विद्युत ग्रिड अफिस बड़ बड़ बाबू माने इ रास्ता देखना सबुदिन जास करसन हेले आयस तो कि रास्ता ऊपरे कार न जने पड़ी इ रास्ता के सरकार बहादुर बोलछन आमे सब गा के माने कंक्रीट करछु पिचू करछु कि आर अन्य अन्य काणा करछु किंतु आज के 70-75 वर्ष हो गला आमरी लुकापड़ा के जीवार आसबार के बहुत असुविधा होछे सेती लागि इथि लागि ध्यान टिके सरकार बहादुर जदि ध्यान देते बोले आमे उपकृत हेतु बोलि करी आमे आशा करछु रोड रास्ता खराब हि छ अटे अटे भासी जई छि ए चाली नि हेबार आर सेटा भल रास्ता हेले चाली हेबा बहुत दाबी उतारु माटी रास्ता खंडे बनेथिला प्रशासन जेनटा कि एबे पूरा खराब हेकिना पड़ीचे इ रास्ता देखिना तुरेकला ब्लॉक रो भिन भिन गाँव लुके बंगमुंडा के काम रे आसीथिसन गला किछि दिन तले रास्ता समस्या के नेकिना ग्रामवासी माने प्रतिवाद करथिले सियाडे जे रास्ता समस्या के दृष्टि देमु बोलिकिना कहिछन बंगमुंडा वीडियो बारंबार ए अंचल रे आमे आदिवासी मानकर लागि स्वर उठै आछु उठै तमु आगामी दिन रे जदि ए समस्या रे समाधान नै होले तारा सारा बलांगीर जिल्ला रे आमर आदिवासी माने राजरास्ता के उल्लाबर लागि बाध्य हम सेतिर लागि प्रशासन दायी होले पूर्वरु आमर पीएस रास्ता थिला ऑलरेडी आमे सेटा आरडी डिपार्टमेंट को हस्तांतर रहै छै एवं तांकर सहित आमे कथा होथि से माने सेटा टेक अप करिबे ओ जेहेतु सेटा हैंड ओवर होइ जेछि एबे प्रश्न राय सरकार कर प्रकार रास्ता कहर लागि रास्तार अवस्था बेहाल डरी किना जास करुचन लुके हेले भी कहाँ हेला जे आइक नहीं पकाबार प्रशासन बलांगीर जिला कंटाबांजी नु बुलेश्वर हंस का रिपोर्ट अर्गस न्यूज देश ने मौसमी वर्षा हेबार परे एबे चास काम मूल हे छे चासी को लागे पैसा दरकार हेतुवार बिल के केंद्र सरकार चासी मान के देइछन गुटे खुशी खबर पीएम किसान रो 9 नंबर किस्ती लागि अटकीथिबा चासी को लागि खुशी खबर प्रधानमंत्री किसान योजना ने थिबा 9 नंबर किस्तीर पैसा अगस्त 9 तक देशर सब कृषकंकर अकाउंट के जिबा उत्तर प्रदेशर कृषकंकर अकाउंट के 5 अगस्त रे पैसा जिबा बोली जना पड़िचे सेंता मध्य प्रदेशर चासींकर अकाउंट के 7 अगस्त रे पैसा जिबा एंता करी सारा देशर चासींकर पाके 9 अगस्त तक पैसा पहुंची जिबा एबे तो की योजना ने कृषकंकर अकाउंट के 8 नंबर किस्ती पठा जाइछे फेल मारला 13 बरसर नाबालिका के ब्याह करिकिना दुबई पठाबार योजना बाबार अभिजोग उतारु नाबालिका के उधार करिकिना पुलिस के देले बीजेपी नेत्री जी के बिक्री करबार योजना करुथला मा एंता सांघातिक घटना सामना के आसी छे राउरकेला प्लांट साइड थाना गोपबंधु पल्ली अंचल नु नाबालिका बापा घरे नै थिबार बेलके झीर मा महाराष्ट्र अंचल रो कृष्णा मरिया नार गुटे जुआन संगे तार ब्याह करिकिना दुबई पठे देबार योजना करथिला बापा ई कथा जानबा उतारु बीजेपी नेत्री प्रमिला दासकर सहायता मागिथिले बीजेपी नेत्रींकर संगे पुलिस सहायता ने नाबालिका के उधार करबा संगे चाइल्ड लाइन के तके पठा जाइछे समलपुर जिला चमनकिरा ब्लॉक बड़माल पंचायत गंगसा गाने अभावनीय घटना फसीथिबा ट्रैक्टर के बचाबा के जाई किना तले चापी ही गले ड्राइवर धान रुआ लगी प्रस्तुति चली थिबार बेलके ट्रैक्टर फसी जाइथिला ड्राइवर राजेश मुंडा ट्रैक्टर के बाहर करबा के चेष्टा करबार बेलके ट्रैक्टर तांकर ऊपर पड़ी जाइथिला जेंथिर लगी घटना जागान ही तांकर मृत्यु हेछे सेनर किछि युवक जमनकिरा पुलिस के खबर देबा उतरु पुलिस आसी किना मृतदेह के उद्धार करिछे
राउरकेला ने लज्जा राउरकेला प्लांट साइड थाना गोपबंधु पल्ली अंचल गोटे आदिवासी युवती को बिहार लोभ देखना छ मासर गर्भवती करथिबार अभिजुक अभिजुक नेकिना महिला थाना के जाइथिले पीड़िता फेर थरे से अंचल रहुतुबा जने अन्य जातिर युवक आदिवासी युवती को गला बर्षे हेला भल पाई आसुथिले एबे युवक अन्य जगाने विवाह ठीक हेबानु चुजना करथुबार खबर पाइकिना युवती निजर परिवार संगे युवकंकर घर के पहुँचिथिले हेले युवकंकर परिवार तांगो गाली गुलज करबा संगे तांगो बा हेबा लागि मना करि दिथिले विशेष करके आप जो कथा कहते आदिवासी मैंने आम समस्त जानते सरल विश्वासी से बहुत शीघ्र सामनावाला को विश्वास करती तेणु जो लोभ देखी अन्य पार्टी से लीगल आस्पेक्ट बस जाणी ना कारण जेहतु तक सचेतनतार अभाव रही तार सुजोग जो मैंने चतुर अच्छा चालाक्तर चतुर मैंने बदमाशी चतुर जो कहते हैं अच्छा तार सुजोगटा से अधिक रू अधिक नौ नापर कौन हो प्रकार इनसीडेंट मैंने घटू लोभ देखते पुणी पल जाऊपर कौन जेहतु तक बापा माँ मैंने भी से मैंने बाहर दुनिया जाणी ना सब करना कौ प्रकार आक्शन ने ठीक हम से भी निष्पत्ति नहीं पार ना तेणु विभिन्न कारण जो जो मैंने चतुर अच्छा बदमाश अच्छे तरह से फायदा नौ जेहतु तेरे लीगल एड्रेस प्रपर्ली पहुँची पार्नि से आहरी भी हरास होती कारण से भावते आमुक सांगे सांगे तत्काल मिल कि ना जस्टिस सी भी गोटे फैक्टर रोचे तेनालीर सरलाम फायदा बदमाश मैंने नौ आके भी खबर देखना ए समय गोटे ब्रेक र ब्रेक उतारू स्वागत बलांगीर अबकारी विभाग हाते धरा पड़े देशी मद आर गंजे बेपारी पेट्रोलिंग समी आने जामुट पाखे चार जन धरा पड़ीचन से मानक ठानू 60 लीटर देशी मद आर 24 किलोर गंजे संगे तीन टा बाइक जबत करीचे अबकारी पुलिस गिरफ अभियुक्त मानले बौद्ध जिला कंटामाल ब्लॉक देवली गाँ जीवर्धन रणा खेमेंडीगढ़ नवीन कर्मी बलांगीर तुसरार भुवनेश्वर रणा आर कंटाबंजी चाउलपुर तुलसी मेहर चार जन के गिरफ करना कोर्ट चालान करीचे अबकारी पुलिस गत काली राति प्राय 2:30 बेले एठू बाहरलु गोटे खबर थिला जे ए रूट देखि सब मद गंजे आसु बोले आमे जाकि तुसरा पीएस अंडर आस जामुट बोली जो जगह से जगह आम लुकायत भाव सब विभिन्न स्थान सब जगीलु तो जगह फल आम धीरे धीरे गोटे पर गोटे एमती प्राय तीनोटी बाइक धर सीज करचु तीनोटी बाइक रु दुईटा बाइक रे आमे गंजा सीज करचु एवं आ गोटे बाइक रु मद 50 लिटर सीज करचु आउ जन को भी आसाम की ताठार भी 10 लिटर मद धरचु 25 किलो गंजे धरचु जार आनुमानिक मूल्य 75,000 टंका हेबो एई परिप्रेक्षी रे आमे 4 जन को अरेस्ट करिचु कलाहांडी जिला सरिया पाखे टोल ब्राह्मणी गाँव रोटे जमीन अजगर साप उधार कला वन विभाग सेनर लुक माने साप के देखवा उतारु वन विभाग के खबर देथिले खबर पाइकिना उत्तर वनखंड आर स्नेक हेल्पलाइन सदस्य टोल ब्राह्मणी पहुँचिकिना अजगर साप के उधार करथिले साप के कल्लापाट अभयारण्य रे छड़ा जीवा बोलिकिना वन विभाग आड़ कह जाइए अजगर 9 फुट लंबा होतीबार बेलके 9 केजी ओजन बोली जना पड़ी कलाहांडी उत्तर वनखंड भवानीपाटना रेंज अंतर्गत सांतपुर सेक्शन सरिया पाखे टोलवामी बोली गोटे गाँ अच्छी से गाँ पाखे से जंगल रु सापट आसिक चाष जमी पाखे थी से समय सका चाष जमी को जीवा पीरियड में से आम गाँव रोटे पूजारी अच्छा जी लंबोदर माझी से सापट को देखी से उधार कर आम वन विभाग को खबर देते से पाखापाखि आम वनीकरण कार्यक्रम रही गोडांग ग्राम आम से सांगे सांग रेंज अफिस खबर कर आम सांगे सांगे जा सापट को उधार कर आनीचु सरकार का माल दरिया में डाल एंता नीति रे खत खाऊचे कोटी कोटी टंकार हॉकी टर्फ हॉकी स्टेडियम लागिर आसीथिबा टर्फ एबे खत खाऊचे कोटी कोटी टंकार हॉकी टर्फ ब्लॉक परिसर ने थिबार खत खाइकिना नष्ट हेलानो पश्चिम ओडिशा ने पहला हॉकी स्टेडियम बनाबा लागि निष्पत्ति हेतिला हेले सरकारंकर अवहेला लागि हॉकी स्टेडियम सपन अधा रही जाइचे खत खाऊचे हॉकी टर्फ 7 कोटी टंकार हॉकी टर्फ चिरी फाटी गलान अधारे रही जाइचे हॉकी स्टेडियम रो सपन समलपुर गुटे सरकारी ऑफिस सामना रे खत खाउचे 7 कोटी टंकार हॉकी टर्फ कोटि कोटि टंकार टर्फ एबे चिरी फाटी गलान ई चित्र हेउचे हॉकी स्टेडियम ने व्यवहार हेउतवार हॉकी टर्फ रो
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଜୁମୁରା ବ୍ଲକ୍ରେ 200ରୁ ଅଧିକ ହକି ଟିମ୍ ରହିଛନ୍। ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତଟେ ଖେଳାଳି ଜାତୀୟ ଆର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଖେଳିକରି ସମ୍ବଲପୁରର ନାଁ ରଖିଛନ୍। ଏଥିର୍ଲାଗି ଜୁଜୁମୁରାନେ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କରବାକେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଅଧାନେ ଅଟକିଛେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କାମ। ଏରାଉଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତମାନର ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହେବାର ଥିଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଟ୍ରପ୍ ବିଗତ 2017ରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରବା ଆଗରୁ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୁଜୁମୁରା ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରତି ଭେଟି ବୋଲି ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ। ସେଦିନଠୁ ଏଇଟା ଏନ୍ତା ପଡ଼ିଛେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହକିର ସ୍ୱପ୍ନ ହକି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହେଇକିନା ରହିଯିବା। ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଟା ଏଇଟା 5 ବର୍ଷ ହେଲାନ ପଡ଼ିଛି। ଆମର ଏନର୍ ପିଲାମାନେ ଯଦି କରୁଥିବେ ବୋଲେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇଥିବେ। ଇନ ନହେଲେ ବି ଆମର ଜୁଜୁମୁରା ବ୍ଲକ୍ରେ 40-50ଟା ଷ୍ଟିମ୍ ଅଛନ୍, କିନ୍ତୁ କେହି ସେଇଟା ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେବାର ସେ ଜିନିଷଟା ପଡ଼ିଛି। ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ତିଆରି କାମ ଦିଲ୍ଲୀର ଗୋଟେ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ହେଲେ 2 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କାମ ନେଇ ସରବାର। ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ଆରୁ ଠିକାଦାରଙ୍କର ଟାଲଟୁଲ ନୀତି ଲାଗି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କାମ ଶେଷ ହେଇ ନେପାରବାର। ସିଆଡ଼େ ଯେ ଇ ନେଇକରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ନେଇ ଖୁଲବାର। ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ଧୀମା ଗତିରେ ଚଲୁଛି। ସେଇଟା ମଝିରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଟିକେ ହେଇଥିଲା ନିମ୍ନମାନର ତାମାନେ ସିମେଣ୍ଟ ଲଗାଉଥିଲା ବୋଲିକିରି। ତାପରେ ଜଲ୍ଦି ଯଦି ହେତା ବୋଲେ ଯେଉଁ 40-50 ଟିମ୍ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଇନୁ ଯଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫୁର୍ଣ୍ଣ ହେତା ବୋଲେ ଏରିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଏଇଟା ଆଦିବାସୀ ବ୍ଲକ୍ ହେ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ତାମାନେ ତାମାନେ ଇଏ ମନୋରଞ୍ଜନ ବି ହେତା ଆଉ ଆମେ ବି ଇଏ ଶିଖିପାରୁଥୁ। ଆଉ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ଆସିକିରି ମଝି ମଝି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସେମାନେ ବି କିଛି ଶିଖିପାରିଦେ। ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବନା ହେଲେ ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କର ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରତିଭା ଲୋକ ସାମ୍ନାକେ ଆସିପାରବା, ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ଲାଗି ହକି ପ୍ରେମୀଙ୍କର ସପନମାନେ ଚୁର୍ମାର ହେଉଛେ। ଏବେ ଇନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛେ, କାଁ ହେଲା ଯେ ଡେରି ହେଉଛେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବନାବାର କାମ? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହକି ଟର୍ଫ ନଷ୍ଟ ହେବାର ପଛେ ଦାୟୀ କେନ୍? କେବେ ପୁରା ହେବା ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କର ସପନ? ସମ୍ବଲପୁରନୁ ମଳଭୂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ନୂଆଖାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କେ ଇନ ରଖମା, ରହୁଛେ, ଜୁହାର।